गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। और अभी आप टाइम देख रहे हैं, जैसा कि 3:10 हो गए हैं और सहरी का टाइम हो गया है। तो अभी हम लोग उठ गए हैं सहरी के लिए, और यहाँ पर ये भी खेल रहे हैं। नो, तो मैं सहरी में बना रही हूँ हलवा। तो पहले मैं ब्रश कर लेती हूँ। नो, बना रही हूँ हलवा और मैंने यहाँ पर सिर्फ काजू और बादाम ऐड किए हैं। तो थोड़ा सा उसको घी में फ्राई कर लेंगे, और नॉर्मल तरीके से जो हलवा बनाते हैं वैसे मैं हलवा बना रही हूँ, क्योंकि मैं सहरी में अक्सर दूध टोस्ट वगैरह ले लेती हूँ। बट आज मैंने कहा चलो हलवा बना लेंगे, तो हलवा खाने का मन हो रहा था, तो बस वही बना रही हूँ मैं। मैंने चाय बना ली थी और एक दूसरी तरफ मैं हलवा बना रही हूँ। सेकंड जुमा की सहरी है, हलवा बन के तैयार हो गया है। थोड़ा सा घी मैं ऊपर से भी ऐड कर रही हूँ। चलिए कर ले सहरी, और जल्दी से तो मैं अभी सर्व कर लेती हूँ जल्दी से अपने लिए और कुरेशी जी के लिए। एक्चुअली कुरेशी जी अभी आए हैं ड्यूटी से, 3:00 पर भी आए हैं, वरना मैं अकेली सहरी करती हूँ। तो मेरा और भी मन हो गया, मैंने कहा चलो ये भी हैं तो हलवा बना लेते हैं सहरी में। तो हम दोनों ने बैठ के सहरी की अच्छे से, टाइम हो गया है 3:35, आप देख रहे हैं। तो चलिए जल्दी से सहरी कर लेते हैं, फिर उसके बाद पानी भी तो पीना होता है, एक तो ग्लास पानी पीना ज़रूरी है। थोड़ा टाइम पानी के लिए भी 5 मिनट रखना चाहिए। मैंने नमाज़ पढ़ ली है, अब तिलावत कर लेंगे हम थोड़ी सी, उसके बाद मैं सीधा सो जाती हूँ, या मन करता है तो फिर मैं थोड़ा छत पर टहलने चली जाती हूँ। मैं तिलावत करने के बाद ऊपर छत पर आ गई हूँ, आ रहा है 5:30 का टाइम हो रहा होगा। तो कुछ ऐसा लुक है हमारी कॉलोनी का, मैं टेरिस से व्यू दे रही हूँ आपको। तो बहुत घनी बस्ती है ये। तो मॉर्निंग में अच्छा लगता है ऊपर टहलना, इसके बाद मैं सो जाती हूँ। फिर बच्चे जब उठते हैं 9-10 बजे तक, तब उठती हूँ। तो फिर मैं सुबह उठने के बाद 9:30 या 10:00 का टाइम हो रहा होगा, मैं किचन क्लियर कर रही हूँ, जो मैं मैसी किचन छोड़कर सो गई थी सुबह। तो पहले किचन क्लियर कर लेती हूँ, फिर नाश्ता बना दूँगी बच्चों को। नाश्ते में कुछ नहीं, ब्रेड बटर या फिर चाय या रस्क दे देती हूँ मैं हल्का, फिर मैं लंच बनाऊँगी। किचन क्लियर हो गया है और बच्चे भी उठ गए हैं, मैं तो उनके लिए ब्रेकफास्ट बना दूँ। लेने के बाद मैं बैट लगा रही चेयर हूं आ गई। मैंने कोई मेट नहीं लगाई है, तो यहाँ पर मैं मॉप और झाड़ू खुद ही दूंगी, और बर्तन भी मैं खुद ही करती हूँ। और रोजे के साथ है बहुत डिफिकल्ट हो जाता, तो कोई बात नहीं, पर रोजे के साथ तिलावत और ये ज़्यादा से ज़्यादा करने कि उसमें ये सब अपना रूटीन भी करना पड़ता है, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है।
उसके डैडी निकल रहे हैं नमाज के लिए, तब तक मैं लंच की तैयारी कर, यहाँ पर मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। उसके जस्ट बाद मैं भी सावर लेने जाऊँगी। तो लंच में बना रही हूँ मैं कीमा। एक्चुअली कीमा शाम के लिए आया था, मैंने कहा कबाब बनाएंगे इफ्तारी में, बट इफ्तार का एक जगह से इफ्तार की दावत आ गई तो वहाँ जाना है शाम को, तो मैंने कहा चलो अभी दोपहर में बच्चों को बना देते हैं। तो मैंने तो सिंपल कीमा बना रही हूँ, बस गरम मसाले से बघार लगा के, और उसमें हमने अनियन और जिंजर गार्लिक पेस्ट को, पेस्ट नहीं एक्चुअली ऐसे ही काट के डाल दिया, फ्राई कर लेंगे और कीमा को फ्राई कर लेंगे जस्ट, और हल्दी नमक मिर्ची धनिया पाउडर डाल के उसके कुकर का कैप लगा देंगे और 3-4 सीटी लगा देंगे, बस कीमा तैयार। तो शाम को तो इफ्तारी नहीं बनना है, नहीं तो मैं शाम तक आपको रूटीन दिखाती है अपना, इफ्तार पार्टी में जाना है। तो एक्चुअली आज का ब्लॉग यही रहेगा, और ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching.